हाय नमस्कार। सो इस हाईवे से गुजरते हुए ये मेरा सेकंड लास्ट स्टॉप तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी का साइज़ है और जो बाकी सब चीज़ें हैं, पहले एक नज़र मारिए आप। अस्पताल दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग, और अगर ओपीडी की गिनती करें ना तो इट इज़ ओवर 2000 पर डे। जी हाँ, 2000 पर डे। और इसकी जो वजह है वो यही है क्योंकि यहाँ पर ओपीडी फ्री है। सो पहले कॉलेज के बारे में कुछ और बात करते हैं। तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी एक जैन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। ओके, सो आपको खूब सारे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो बैठ के बात करता हूँ थोड़ा सा चाय पीते हुए। ये चाय की दुकान है रोड के इस तरफ, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा, तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी एक जैन माइनॉरिटी MBBS कॉलेज है। शोर बहुत मचा था बसों का। सो आधी सीटें नॉर्मल और आधी सीटें फॉर जैन। और जैसा कि आप रूल जानते ही हैं, राउंड 3 तक जैन माइनॉरिटी की वेट की जाती है और फिर वो कन्वर्ट करके नॉर्मल सीट बन जाती है। क्वालिटी की बात करें तो ये अगेन नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्वालिटी की बात करूँ तो SRM बरेली के बाद नंबर 2, शायद ये फाइट करेगा नंबर 2 पोजीशन के लिए विद ईरा और इंटीग्रल। जी हाँ, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के टॉप 4 कॉलेज ये हैं। दैट मीन्स अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं जाना चाहते तो फिर ये नंबर 2 है, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी से तो वैसे भी उनकी फर्स्ट चॉइस इंटीग्रल, सेकेंड चॉइस ईरा रहती है। पैकेज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 18 लाख रुपये इसके साल की फ़ीस होती है, और हॉस्टल मिला के 1,10,00,000 का हॉस्टल है। क्योंकि मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, 2023 एडमिशन लिया था, तो मैं अंदर बड़ा लंबा घूम के आया और उनके अंदर रूम के अंदर तो मैंने वीडियोस बना लिए जो मैं अटैच कर दूँगा इस वीडियो के बाद, लंबर्ज कर देंगे। पर आप समझ लीजिए, शानदार कमरा था, मतलब 2 बेड के बीच में जो जगह थी ना, इट इज़ लाइक वाज ए 4-स्टार रूम। आप एक्चुअली वॉक कर सकते हो, हर रूम के साथ एक बालकनी है, अटैच वॉशरूम, इंग्लिश टॉयलेट, 2 रूम विद AC, 2 बेड इन एवरी रूम, मेस का बहुत टेस्टी खाना। ऐसा कहा जाता है कि जो मिस्टर जैन है कंपनी के, इस पूरे ग्रुप के चेयरमैन, वो भी मेस में कभी कभार खाना खाते हैं। इस कॉलेज के ठीक पीछे से मैं आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, बस से छुप रही है, वो एक्चुअली मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे ही आप हॉस्पिटल क्रॉस करते हो, एक बाकायदा फिर सिक्योरिटी गेट था। तो देखिए, पहली पहचान यही है कि इसको अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो खुला गेट, खुला दरबार था, कोई भी आए, कोई भी अंदर जाए। क्योंकि जो मैंने बोला 2000 प्लस OPD है, तो इनके पास तो जगह ही नहीं है ना कि ये गेट को बंद करें, बार बार खुलें। और वजह मैंने बताया, फ्री OPD है, इसके अलावा भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो भीड़ बहुत है, और सेम अरविंदो इंदौर की तरह सस्ती भीड़ है, मतलब लो बजट की। बेसिकली जो उसके आस पास का एरिया है, इसे वेरी हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया। और वही देखिए, जैन माइनॉरिटी के साथ में आपको एक मस्जिद कह लीजिए छोटी सी नज़र आ रही है, और एक अल उमान चिकन कॉर्नर है। जबकि ये पूरी की कैंपस इस प्योर वेज, इसके अंदर अंडा भी नहीं आता। और तो अंदर पूरा एक फूड कोर्ट है जिसका वीडियो में अगेन मैं मर्ज करूँगा। 12-15 दुकानें, जिसकी वजह यही है कि ये चलती यूनिवर्सिटी है जहाँ हर तरह के कोर्स कराया जाता है। लेकिन एक ना डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अलग है, बच्चे अलग हैं, और फिर जो नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं वो साइड पर हट के है, अलग है। तो हॉस्टल शानदार, खाना शानदार, पढ़ाई शानदार, पेशेंट फ्लो सुपर डुपर शानदार, लोकेशन, ये जो रोड है यही फेमस दिल्ली मुरादाबाद बरेली रोड है। मुरादाबाद से कॉलेज हाईवे के ऊपर 15 किलोमीटर पहले है। तो जैसे आपने गढ़ मुक्तेश्वर और गजरौला क्रॉस करा, जहाँ पर वो वेंकटेश्वरा था, इस तरफ ही रोड के, तो रोड के उस तरफ ये तीर्थांकर महावीर आता है, और इसके 15 किलोमीटर बाद मुरादाबाद शहर आता है। तो लोकेशन में हाँ ठीक है, आपको मार्केट जाना है तो आपको मुरादाबाद जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डोमिनोज का काउंटर भी अंदर ही चल रहा है, बैंक सब अंदर है, सलून अंदर है, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, मैं फिर से भी कहता हूँ, कई लोग ना मुझसे फिर पूछते हैं कि ऐसी कट ऑफ इतनी कम क्यों है जो नंबर अच्छे हैं। पहली बात तो समझिए कि उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजों में यदि कट ऑफ 450 आपको नज़र आती है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिटी बट बिकॉज ऑफ द बजट। क्योंकि सारा काम आपका खाना पीना मिला के 75 में हो जाता है, और यहाँ पर आपका 1.1 लग रहा है, और ये 35 लाख का डिफरेंस बहुत बहुत किलो होता है। तो अगर आपके बजट का कोई इशू नहीं है, फिर तो नॉर्थ इंडिया में आई थिंक अब जॉली ग्रांट और अमृता फरीदाबाद के बाद आई विल एक्चुअली पुट दिस कॉलेज राइट एट नंबर 3। अगर मैं बस नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करूँ, राजस्थान को ना गिन के, उसमें शायद गीतांजलि या MGM जयपुर की तो खैर बात लगी है,
बट जहाँ पर एडमिशन हो सकता है अगर हम उसकी बात करें तो यस, अमृता फरीदाबाद, जॉली ग्रांट, तीर्थंकर महावीर, श्री गुरु राम राय, मौलाना, ये सब जो टॉप में आते हैं। और अगर मैं बिल्कुल एक बहुत ड्रेड कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो SGT वर्सेज TMU मुरादाबाद, आई विल ऑलवेज चूज TMU ओवर SGT। दोनों का बजट बिल्कुल सेम है लेकिन बाकी सब फैसिलिटीज़ में ये कहीं कहीं बेटर है SGT से। तो फिर से भाई हरियाणा के बच्चों के लिए जो इस चक्कर में कि हमें लोकल रहना, हरियाणा रहना, तो SGT में लेते हैं। और लास्ट ईयर भी ऐसा था कि दिल्ली के एक हरियाणा के पेरेंट के बच्चे ने यहाँ लिया एडमिशन एंड एवरीबडी इज़ लाइक सुपर डुपर हैप्पी। जैसा मैंने कहा, जो भी एक मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, मतलब जो शायद कस्तूरबा में होता होगा, होता है, या जो JSS मैसूर में, जेलन बेलागावी में, उसी लेवल का एक कॉलेज है, प्योर हिंदी भाषी। JP डीम यूनिवर्सिटी है, अपनी डिग्री खुद देती है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के नाम से। अब मैं आपको हर वीडियो में ये समझाता हूँ कि डीम तो बहुत सारी हैं लेकिन जिसकी काउंसलिंग MCG के अंडर होती है उसको हम डीम समझते हैं, पर डीम तो बहुत सारी। डीम तो वो होता है जो अपने एग्ज़ाम लेके अपनी डिग्री खुद दे सकता है, लेकिन हाँ, जो MCG की काउंसलिंग के अंडर आता है उसको हम डेढ़ोड़े भाषा में डीम्ड बोलते हैं। क्योंकि ये UP स्टेट में आता है, UP स्टेट में कोई NRI सीट नहीं है, तो उस कॉलेज में कोई NRI सीट नहीं है, जैसा मैंने कहा। बट इट वन ऑफ द 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस, बाकी चारों मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, इराइन, टिगलल, करियर, FH आगरा, ये जैन माइनॉरिटी है। तो जैन का तो हालत ये है कि 170 आप जस्ट रेट क्वालिफाई होंगे तो भी यहाँ सीट मिल जाएगी। अगेन फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, बिकॉज ऑफ लो कॉम्पिटिशन। शायद जैनियों को पता ही नहीं है कि इतना शानदार कॉलेज आपके लिए है, मतलब SKBS वडोदरा से भी काफ़ी बेटर है ये इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली मैंने कहा लोकेशन। और हाँ बिल्कुल, देखिए ये है वैसे UP का जिसे हम टिपिकल UP कहते हैं, और इसके आसपास का क्षेत्र अमरोहा और वो सब पड़ता है। लेकिन जब तक कॉलेज के अंदर है तो सब ठीक है। बाकी जितने नॉर्मल बच्चे थे, जो सामने बच्चा खड़ा, सब एक यूनिफॉर्म में आते हैं, जो बाकी भी कोर्सेज कर रहे हैं। और इस कॉलेज से यहाँ ये सामने दीवार पर टापना पड़ता है, मैंने कई लोगों को टापते हुए देखा। देर इज़ नो डिवाइडर और देर इज़ नो पाथ टू कम। और वंस यू आर दिस साइड, आप बच्चे खड़े यहीं खड़े रहोगे तो आपको दिल्ली की ट्रेड बसेस मिल जाएंगी दिन भर, जो आपको आनंद विहार नोएडा लेके चली जाती हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बजट का कोई इशू है ही नहीं। और जैसे मैंने कहा, ये वो कॉलेज होता है जिनको हम कॉलेज कहते हैं। तो कभी मौका लगे, समय लगे, या ज़रूर आइए, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे खाना हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं। ऑफिशियली प्रॉपर लॉन टेनिस कोर्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, हर तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, जस्ट बिकॉज इट्स ऑल्सो एन यूनिवर्सिटी, चलती यूनिवर्सिटी है, हिट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे हैं। BDS भी कराया जाता है, नर्सिंग भी कराई जाती है, और इसके अलावा भी और कई तरह के कोर्सेज हैं जो कराए जाते हैं। ये जो ये विक्रम है, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और हाँ, अगर किसी को नॉनवेज खाने का शौक है तो आपको कैंपस के बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, एक तो वो रेस्टोरेंट दीवार से लगा हुआ है, वेरी फ्रेंकली मुझे भी शौक है, तो मैंने लंच वहीं पर किया था। और फिर जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सब कुछ है, बट अब बाहर आ गए हैं और अब मैं दिल्ली की तरफ कूच करूँगा, रवाना करूँगा। और इसी तरीके से अगर आपको अच्छा कॉलेज लेना है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहाँ पर जाके आप बाद में मेरी तारीफ़ें करें, और मुझे बच्चा ही घुमा रहा था, वन ऑफ द किड, जिसे एडमिशन में 2023 में कराया था। सो यू नो, कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और फिर से आप समझ जानते ही हैं कि बिकॉज वी डू गुड वर्क, वी डोंट चार्ज कमीशन फ्रॉम द कॉलेज, सो वी चार्ज मनी फ्रॉम द स्टूडेंट, चाहे वो पूरी काउंसलिंग का हो, चाहे वो शुरू में बात करने का भी हो। माई टाइम इज़ लिमिटेड, तो इसलिए मैं उन्हीं को समय दे पाता हूँ जो हमारी फ़ीस देते हैं। फ़ोन काउंसलिंग के 2500, फेस टू फेस काउंसलिंग के 5000, और जब पूरा पैकेज लेते हैं तो 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक है। 30,000 रुपये गवर्नमेंट या ओनली वन प्राइवेट स्टेट, 50,000 फॉर 3-4 स्टेट, 75,000 फॉर 7-8 जितने मर्जी स्टेट्स, एंड 1.5 लाख इज़ एज अ टोल्ड टू NRI और मैनेजमेंट कोटा कोऑर्डिनेशन। ये देखिए बसेज आ रही है, यहाँ बस इतने लोग हैं पर कि बसेज रुक जाती हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। शानदार कॉलेज फिर से वंस अगेन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। ये देखिए बच्चे, लड़कियाँ भी आ रही हैं टॉप कर, ये शायद नर्सिंग की होंगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।